लव कटारिया, विशाल पांडे या फिर शिवानी कुमारी, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर? क्या कहता है लेटेस्ट और बिल्कुल अंतिम क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड? जी हाँ दोस्तों, एकदम सटीक वोटिंग ट्रेंड आपको बताऊंगा। सबसे पहले बहुत ही शॉकिंग न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है कि एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ी भी बाहर हो सकते हैं। वोटिंग ट्रेंड की बात करें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वोटिंग ट्रेंड पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे कम वोट मिले हैं शिवानी कुमारी को। शिवानी को घर के अंदर जो टास्क हुआ था वहां पे भी शिवानी हारी है, अपडेट ऐसी है। और बाहर जनता ने जो वोटिंग करी है वहां भी शिवानी जो है हारती हुई नजर आ रही है। नंबर तीन पे यहाँ पे शिवानी कुमारी, नंबर दो पे यहाँ पे विशाल पांडे। अच्छे खासे वोट आए, जबरदस्त फैन फॉलोइंग ने सपोर्ट करा। हालांकि जियो से मैंने एक गलत पोस्ट कर दिया था विशाल पांडे एविक्टेड करके, लेकिन यहाँ पे विशाल पांडे को अच्छे वोट मिले और वोटिंग में नंबर दो पे रहे हैं। लव कटारिया, सिस्टम हैंग भाई साहब, स्पीडोमीटर वोटिंग मीटर फाड़ते हुए नजर आया लव कटारिया। और लव कटारिया को अकेले शिवानी और विशाल, इन दोनों के कंबाइन वोट से भी ज्यादा वोट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, लव कटारिया, शिवानी कुमारी और विशाल पांडे की वोटिंग को अगर आप एड ऑन कर लो, अगर इनकी वोटिंग को मिक्स कर लो, उससे भी ज्यादा वोट लव कटारिया को मिले हैं। और ये वोटिंग परसेंट अपने आप में बिग बॉस ओटीटी 3 में सबसे बड़ा रिकॉर्ड सेट करते हुए नजर आ रहे हैं लव, और यहाँ पे विशाल और शिवानी भी। इतनी वोटिंग तो आई थिंक फिनाले में नहीं होगी जितनी सेमीफिनाले में हो चुकी है, क्योंकि सेमीफिनाले में तीनों ही जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़े हैं। अब इन तीनों में से शिवानी का यहाँ पे बाहर होना 100 out of 100 कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन अगर डबल एविक्शन होता है तो क्या लव कटारिया के लिए मुसीबतें आ सकती है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, वोटिंग में तो हालांकि लव कटारिया सेफ है, पर बिग बॉस के मेकर जो हैं उन्होंने काफी बार लव कटारिया को टारगेट किया है। बिग बॉस के मेकर जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि लव कटारिया जो है वेलविश के फैंस के दम पे चलता है। लव कटारिया को एक बार तो डायरेक्ट घर से बाहर ही कर दिया गया था, एज अ बाहर वाला जब लव को पकड़ा गया तो उसको एविक्ट कर दिया गया, लव कटारिया को कैप्टन भी नहीं बनने दिया। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लव कटारिया को शुरू से ही टारगेट किया गया है। तो क्या बिग बॉस अब इतना बड़ा एक मौका जाने देंगे? बिग बॉस यहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई कि घर के अंदर वोटिंग करवाओ, क्योंकि ऑलरेडी बिग बॉस ने बोला था कि जो बाहर की वोटिंग है जनता जो डिसाइड करेगी उन चीजों की अब कोई वैल्यू नहीं है। अपनी मर्जी से इनका जब मन करा वोटिंग चला देते हैं, अपनी मर्जी से मन करा वोटिंग बंद कर देते हैं। हालांकि वोटिंग ट्रेंड में तो लव सेफ है, लेकिन अगर इन्होंने ये बोल दिया कि घर के अंदर ही सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, घर वालों के हिसाब से एविक्शन होगा, तो शिवानी के बाद जो दूसरा एविक्शन होगा वो डायरेक्ट डायरेक्ट लव कटारिया का होगा, क्योंकि पूरा घर यहाँ पे लव कटारिया को टारगेट करेगा। पूरे घर को पता है फिनाले में लव कटारिया को हराना वोटिंग के बेस पे नामुमकिन है, तो लव को बाहर भेजने का ऐसा चांस घर वाले कतई नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि सिंगल एविक्शन में यहाँ पे शिवानी बाहर जाएगी या फिर डबल एविक्शन में लव बाहर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है भाई कि वोटिंग के हिसाब से चलो तो शिवानी और विशाल बाहर हो जाएंगे, लेकिन शिवानी का बाहर होना तय है और लव कटारिया बहुत बड़े खतरे में भैया, बहुत बड़े खतरे में। क्या लगता है आपको कौन होगा बिग बॉस के घर से बेघर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।